ਕਿਤੇ ਪਟਾਇ ਤੇ ਓਏ ਇੱਕ ਛਲਜਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਆਖਰੀ ਬੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋ ਜਵਾਨੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ अभी जो है जानवरों का हवेली का टाइम हो गया और आते साथ ही जो है ना ये खाने पे टूट पड़े हैं। ये देखिए माशाल्लाह तो जानवरों को बाहर धूप में बांधा जाता ताकि वो जो है अच्छे रहें फले फूलें टिके। इसलिए जब बाहर से हवेली लेकर आते हैं तो वो डेफिनेटली चारे के लिए ही लाया जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं कह रहा हूँ कि हवेली का टाइम हो गया, डेट इज मीन के चारे का टाइम हो गया। हेलो जी, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो वेल यार, आप भी आज नोटिस कर रहे होंगे वीडियो बहुत ही अच्छी आ रही है, ठीक है। इसमें मेरा आज कोई कमाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है धूप निकली हुई है। वेल यार, मेरे पास आज दो न्यूज़ हैं, एक तो न्यूज़ है अच्छी, दूसरी न्यूज़ है बुरी। बुरी न्यूज़ मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर तो आपको सारे ही सुनाते रहते हैं, आज आपको सबसे पहले बुरी खबर सुनाई जाए। बुरी खबर दरअसल ऐसा है कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह संडे का दिन है और कल से जो है ऑनवर्ड मंडे स्टार्ट हो रहा है। दिस इज नॉट अ बैड न्यूज़, नॉट एट ऑल। बुरी न्यूज़ ये है कि कल से हमारे कैंपस ऑन हो रहे हैं। तो भाईजान, जो बंदा सुबह उठ के व्लॉगिंग करना पसंद नहीं करता, जो बंदा रजाई की जान नहीं छोड़ता, वो बंदा अब सुबह टाइम से उठ के कैंपस बाइक पे जब जाया करेगा सर्दी में, तो वो बंदा जो कि उठना पसंद नहीं करता था, वही बंदे का क्या हाल बनेगा। और भाईजान, क्या मेरी हालत होने वाली है कल से ऑनवर्ड, वो तो भाईजान अल्लाह ही बस जो है ना रब रखा है मेरा। और दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि कल से चूंकि मैंने अपने कैंपस जाना करना है, तो मेरे जो एक रूटीन मैंने एक जो है ना अपने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करके तो अपने चैनल को ग्रो करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो है वो मेरा एक चैलेंज है। चैलेंज किया है कि मेरे लिए जो है ना उस चीज़ को फेस करना कि मैं दोनों चीज़ों को किस तरह से लेकर जो है ना एक साथ लेके चलूंगा, अपनी कैंपस लाइफ के साथ या अपनी डेली बेसिस की जो मसरूफियत तो होनी है वो तो होनी ही होनी है, उसके साथ व्लॉगिंग वाले चैनल को किस तरह से कंटिन्यू करता हूँ, कौन सी नई नई चीज़ें आने वाली है, वो मैंने अपने आज से एक छोटा सा प्रॉमिस किया हुआ था। दुआ कीजिएगा कि भाई आपका जो है ना उसमें कामयाब हो जाए और इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट जो है ना इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे दिखाया करें, जैसे कि अभी हम जो है ना कंटिन्यू किया हुआ है और आपको दिखा रहे हैं। अभी हम ये लकड़ी को जो है ना आरी की हेल्प से काटने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, ये दूसरा पीस था, ये तीसरा पीस हम काटने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है सर्दियों में जब आपके पास किसी किस्म की जो है ना गैस की सहूलत ना हो, या गैस की सहूलत तो हो लेकिन इतनी हो कि आप जो है ना बहुत ज्यादा उसको जो है नहीं यूज कर सकते। हमारी बायोगैस प्लांट तो है, सारा दिन जो है चूल्हा नहीं चल सकता, तो जिसकी वजह से लकड़ियां वो वाहिद हल ही रह जाता है जो कि हम अपनी जो है ना नीड के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अभी जो मेरे पास टूल है जिससे लकड़ियाँ बेसिकली जो है ना हल्की फुल्की काटी जाती हैं, कुहाड़ी नु कहीदा, तो ही आपकी जबान जो मर्जी कहे। और ये जो नसीर के पास है, ये जो नसीर के पास है उसको कहते हैं कुहाड़ा, और इस वाले टूल को जो है ना कहते हैं आरी। ये भी जिससे जो है मैं लकड़ियां काट रहा था, इससे जो है ना मोटी मोटी लकड़ियां बासानी काट लेते हैं, दरख्त को नीचे से काटना तो इसकी हेल्प से जो है ना वो काटा जाता है, इसको कहते हैं आरी। हम इधर खेत में आए हैं, वैसे मैं इधर शलजम ढूंढने के लिए आया था जो कि मुझे ये है शलजम मुझे मिल गई। बिस्मिल्लाह, ये अभी जमीन के साथ अटैच है, तो जब ये अटैच रहेगी तो ये ग्रो होती रहेगी। वेल इसको हम पटसी और इसको अभी हम जो है ना घर जाके साफ करके तो खाते हैं। सीन कुछ ऐसा हो गया कि ये जो शलजम है ये इधर से भी खराब है, ठीक है, ज्यादा शायद ग्रो होने की वजह से, और इधर से भी ऑलमोस्ट खराब है। तो ये जानवरों की किस्मत है, आज आप इनके जानवरों के काम चेक कीजिएगा। एक एक शलजम दक्की की बनेगा आप उठे साढ़े दिन जिनकी किस्मत। ओए होए होए, वो वाली जो उसको उठा के वो देखे उसने खा ली है, उसकी किस्मत आज अच्छी थी। कुछ नहीं कहा, खाली आते ओ मेरा हाथ का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका भाई जो है आए हाय 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 चावल बना रहा है मटरों वाले, ये देखें कोई नजर ही नहीं आ रहा। सैरिज मंगवाया हुआ था जानवरों के लिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। रिक्शे दे 20 बंडल लोड ने 21 बता दिया जी का। तो नॉर्मली इस पे जो है 16 से 17 बंडल रखे जाते हैं, तो हमारे जो है अभी 21 बंडल आए हैं। तो ये अभी जो है इधर तरतीब से रख रहे हैं, ये आखिरी बंडल है क्या। सटो जवानो ओ तेरी। हेलो जी, बिस्मिल्लाह करो, गर्म हो वो। नहीं हूं तो कलोले मारना पे मेनू। काफी दिन के बाद जो है आज मैं भैंस का दूध निकाल रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली जो है जनेर या नसीर करते हैं मैं, क्योंकि घर अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए जो है मतलब मैं बिजी होना ना समझा करो, बड़े बंदे बिजी होते हैं अक्सर। ये बिल्कुल जो है दूध खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी जो है दूसरी भैंस का दूध चवाई करने लगे हम।
ये कितने पटाए थे ये तेरी नजीर केरे जन्म का बदला ले रहे हैं मेरे को कितना को मजा आ रहा है। तो सामने आपको सूरज भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी बिल्कुल गुरूब नहीं हुआ, लेकिन अभी उसके आगे जो है ना धुंध वगैरह और छुप गया है इन शॉर्ट। और सर्दी वगैरह आना स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी, आप देख भी सकते हैं। तो वैसे तो सुबह कैंपस भी हमने जाना है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बीएड वगैरह भी जो है ट्रिम होने वाली है। अभी चूंकि टाइम नहीं मिला हमें, तो लेट्स सी अगर सुबह हमें टाइम मिलता है तो हम जाने से पहले जो है बीएड को ट्रिम करेंगे। तो ये तो अब सुबह उठकर ही पता चलेगा कि जो है ना सर्दी का क्या हिसाब है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा अभी होगी तो मैं नहीं वो जो है ट्रिम कर पाऊंगा। अगर सर्दी कम होगी तो भी डेफिनेटली उठने का मसला होगा। सो मसले ने बंदे ही जिंदगी, कोई एक मसला तो है ही नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो है चावल आ चुके हैं, ठीक है, साथ में दही साथ में पानी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। खैर अभी जो है मोबाइल की मैंने लाइट ऑफ की हुई है ताकि आपको पता चले कि ये कोयले जो है किस तरह जो है अभी इनमें लाइटिंग हो रही है, मतलब जल रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी इनमें हीट है, ठीक है। जैसे ही लाइट चलाऊंगा तो ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। अभी लाइट से पहले क्या सीन था और अभी क्या सीन है, ठीक है। अभी भी कोयले नजर तो आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे, जिस तरह पहले लाइट ऑफ में अंधेरे में चीजें नजर आ रही होती हैं। तो खैर अभी आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अंधेरे में देखने की जरूरत होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जो है ना लाइट के साथ देखने की जरूरत होती है। खैर उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको जो है अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाइयों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट में आप अपनी जो है ना लाइफ से रेलिवेंट या जो मेरा व्लॉग देखते हैं उससे रेलिवेंट आपको कोई चीज अगर शेयर करने के हवाले से बेहतर लगे तो इंशाल्लाह वो किया करें। तो कमेंट सेक्शन में आपके जो है ना कमेंट्स को देख के तो वो चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह होती है फिर एक नए रोज़ मुलाकात। अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।